भागलपुर के सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में कई लोगों में पाए जा रहे हैं कैंसर के शुरुआती लक्षण। डॉक्टर्स ने बताया 80% मुंह के कैंसर की वजह है तंबाकू। तमाम बंदिशों के बावजूद युवाओं में तंबाकू का सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से भागलपुर जिले में हर साल 40 से 45 युवा मुख गले के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर भिट्टी गांव में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर यहां कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। डॉक्टर्स ने ही बताती हैं कि पिछले वर्ष भी इस गांव में 6 कैंप लगे थे, जिसमें भिट्टी गांव में कई मरीजों के मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण पाए गए, जिसे प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और प्री मैलिग्नेंट लीजन कहा जाता है। स्थानीय के द्वारा हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को गांव में कैंप लगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। डॉक्टर अन्नी ने कहा कि आप सभी जागरूक हों और जल्द से जल्द तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें। बीमार पड़ने पर आपका पूरा परिवार इसका दर्द झेलता है। तंबाकू को भागलपुर में बैन भी किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, आज कैंप लगाया गया है, इसको लेकर किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सुल्तानपुर भिट्टी में हमारा पहले भी कैंप, हेल्थ कैंप और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और टोबैको के लिए सजेशन के लिए कैंप यहाँ पहले भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे टोबैको का बहुत ज़्यादा यूज़ मिला है। पहले भी हमने यहाँ पे कैंप किया है, जो कि बेसिकली हम लोग दिसंबर में हमने किया था, कम से कम 6 कैंप किया था हमने। उसमें हम लोगों को यही रिपोर्ट मिला था कि यहाँ पे जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे मात्रा है, और उस कारण से जैसे कि मुंह का कुछ शुरुआती लक्षण देखते हैं हम लोग कैंसर का, वो हम लोगों को यहाँ पे बहुत मिला है, जिसको हम लोग प्री मैलिग्नेंट कंडीशन एंड प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे बहुत मिला है। इस कारण से कि यहाँ पे कोई यहाँ पे लोकल हैं कोई, उन्होंने हेल्थ एंड वेलफेयर को भी एक चिट्ठी दिया था कि यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग होनी चाहिए करके, क्योंकि यहाँ तंबाकू का बहुत ज़्यादा यूज़ है करके। कितना हानिकारक है ये? देखिए, जो मुंह का कैंसर होता है, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ों में तंबाकू हानिकारक होता ही है, बीपी, शुगर, हर चीज़ में। इवन दो आप अगर स्तन कैंसर की भी बात कर रहे हैं, बच्चेदानी के भी, तंबाकू का रोल हर जगह है, टीबी, हर चीज़ में। लेकिन जैसे कि हम लोग बेसिकली हम लोग जिस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड है वो है ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। तो ओरल कैंसर में 80% यानी कि 80% जो मुंह का कैंसर होता है वो तंबाकू से ही होता है। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहिल है, यहाँ पे एज एन डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, स्टेट हेल्थ सोसाइटी प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है कैंसर स्क्रीनिंग में, उसमें हम भी भागलपुर में एज एन डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर अपॉइंटेड है, और ये है डॉक्टर अन्नी। क्या कुछ अपील रहेगी वैसे लोगों से, जो गांव में अक्सर देखा जाता है काफ़ी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा? जी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, मेनली मेरा ये अपील रहेगा लोगों से कि आप अपने परिवार को लेकर थोड़ा जागरूक हों, कि आपको खुद से सोचना है कि ये जो आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट्स और इसका कितना हार्म है आपको, और अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपके परिवार और सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप इकोनॉमिकली या फिर सोशली हर तरह से आप साइड लाइन हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको अवेयर होना चाहिए और तंबाकू का सेवन जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, ताकि आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी से छुटकारा मिल सके। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सैयद अन्नी एजाज, मेडिकल ऑफिसर, SHS प्रोजेक्ट से, एलकेम प्रोजेक्ट से, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।